कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, हम सभी लोग ज्यादातर व्रत रखते हैं और व्रत में हम बड़ा थका थका महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या चीज बनाकर खाएं कि जल्दी से बन जाए और ज्यादा मेहनत ना लगे। व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स, आज जो मैं आपको व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स बताऊंगी, इससे आप लगभग 8 से 10 रेसिपी व्रत वाली बना सकते हैं। आज इंस्टेंट मिक्स के साथ साथ मैं आपको 2 रेसिपी बनाकर बताऊंगी उसी इंस्टेंट मिक्स से। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल झटपट होने वाला काम और एक ही मिक्स से आप कई बार बहुत सारी डिशेस तुरंत बना सकते हैं। बहुत ही काम की चीज है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और देखें ये व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स जो आपका काम कर देगा बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप समा राइस। ये व्रत वाला चावल होता है, आपको किसी भी जनरल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और ये मैंने लिया है साबूदाना, ये लगभग मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, फुल 2 टेबल स्पून साबूदाना है और 1 कप समा का चावल है, 1 कप लगभग 250 ग्राम। हमें यहाँ क्या करना है, दोनों को हम मिक्सी में पीस कर पाउडर तैयार करेंगे। एक बार थोड़ा आप साफ कर लें और उसके बाद इसका फ्लावर तैयार कर लें। ये मैं डाल रही हूँ साबूदाना, दोनों ही चीज को बिल्कुल फाइन पाउडर में बना लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है और ये बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हो गया है, जिस तरीके का आटा होता है। तो अब मैं एक लूंगी बोल और इस सारे मिक्स को मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा 1 टेबल स्पून सेंधा नमक, व्रत वाला नमक आपको मार्केट में मिल जाएगा जो हम व्रत में खाते हैं। तो मैं इस नमक को स्वाद अनुसार इसी में ऐड कर रही हूँ जिससे मुझे उस वक्त डालना ना पड़े। और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ पेपर यानी काली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हम व्रत में सेंधा नमक और काली मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोनों चीज मैं यही डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मिक्स को ही बनाकर रख लें, सेंधा नमक और काली मिर्च या कोई जीरा पाउडर अगर आप खाते हैं फास्ट में तो आप वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये 2 चीजें ऐड कर रही हूँ और इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। मेरा इंस्टेंट मिक्स बिल्कुल तैयार है, व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स। अब जब भी मुझे कुछ भी बनाना होगा फास्ट में, मैं बहुत ही जल्दी इस इंस्टेंट मिक्स से बना सकती हूँ। तो मैं आपको कुछ रेसिपीज अभी इससे बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एयर टाइट कंटेनर, ग्लास कंटेनर ले रही हूँ। आप किसी में भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी यूज करना हो फ्रिज से बाहर निकालिए और यूज कीजिए। तो ये लीजिए, आपका व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर लिया है और अब मुझे जब मन करेगा फास्टिंग में मैं इजीली कुछ भी बना पाऊंगी। इससे आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं, कुछ रेसिपीज चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक बोल लेंगे और बोल में मैं ले रही हूँ 1/2 कप इंस्टेंट मिक्स, जो मैंने व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स अभी बनाया था ये मैंने वो ले लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये मैंने लिया है खीरा, खीरे को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक और इसको मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये लगभग मैंने लिया है 1 छोटा खीरा, क्योंकि खीरा और ये चीजें हम व्रत में खाते हैं तो मैंने वही चीज ली है। मसाले यहाँ मैंने सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक जो इंस्टेंट मिक्स में मिलाया था वही लिया है। अगर आप अदरक या जीरा खाते हैं फास्ट में तो आप यहाँ वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। नमक यहाँ हम बिल्कुल स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है, मैंने पहले ही इंस्टेंट मिक्स में मिलाया हुआ है, तो आप यहाँ पर बहुत ही चुटकी भर नमक ही डालें अगर आपको लगे कि कम होगा नमक। इस तरीके से अच्छी तरीके से मिलाएंगे, क्योंकि खीरा थोड़ा पानी छोड़ता है तो इसलिए हम इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल आपको इस तरीके का इसका बैटर तैयार करना है जैसे हम चीला बनाते हैं बेसन का, बिल्कुल उसी तरीके का। और 5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से ढककर छोड़ देंगे जिससे कि आटा थोड़ा सा फूल जाए और सभी चीज अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और ये बैटर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसके सेकते हैं चीले। सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे
और उसको हल्का गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम बैटर डालेंगे। और फैलाएंगे जिस तरीके से आप चीला बनाते हैं, इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको फैलाइए। आप चाहें तो छोटी पैनकेक्स भी बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ खीरा डाला है, आप यहाँ पर लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि लौकी व्रत में खाई जाती है। तो लौकी कद्दूकस करके हल्का सा उबाल लें पानी में, और छान करके आप इस बेस में लौकी भी डाल सकते हैं। तो आपका लौकी वाला चीला तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है और पौष्टिक भी है। अब इसको हम सेकेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे चारों तरफ और अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसको सिकने देंगे। बहुत अच्छी तरह से ये नीचे से सिक गया है, और देखिए इतनी इजीली बिल्कुल नहीं चिपकता। हम इसको पलट देंगे, देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है और चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक भी गया है। नीचे से भी हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लेंगे। ये नीचे से भी अच्छी तरीके से सिक गया है, ये देखिए। आप चाहें तो इसको और भी अच्छी तरीके से सेक सकते हैं, अगर आप और ज्यादा इसको सेकना चाहते हैं तो। तो अब ये सिक चुका है, इसको उतार लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा चीला भी बना लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया साबूदाने समा चावल के चीले बिल्कुल तैयार हैं, खीरे वाले चीले, और व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट रेसिपी। तो आपने देखा किस तरीके से इंस्टेंट मिक्स से इतनी आसानी से और झटपट एक हेल्दी रेसिपी तैयार हो गई। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ कोकोनट चटनी से, यानी नारियल चटनी से। आप हरे धनिया की चटनी या मूंगफली की चटनी से भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स, लगभग 4 टेबल स्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अगर आप व्रत में जीरा पाउडर खाते हैं तो आप डालिए, अगर आप नहीं खाते तो आप इसको मत डालिए, स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च, सेंधा नमक इंस्टेंट मिक्स में पहले से ही है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके, और इसका बैटर तैयार करेंगे। ज्यादा पतला नहीं, एक बैटर जैसा हमें इसको तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर आप अदरक खाते हैं व्रत में तो आप अदरक भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। ये बैटर मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है इस तरीके का, बहुत पतला नहीं करना है, चीले जैसा गाढ़ा। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं और हम तैयारी करते हैं आलू की स्टफिंग की। ये मैंने लिया है 1 उबला हुआ आलू, उसको मैंने हाथ से इस तरीके से मसल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर लगभग आधा छोटी चम्मच, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस पर पैन चढ़ाएंगे, तवे को हल्का गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक टिश्यू पेपर से ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। तवा गर्म हो गया है, अब बैटर लेंगे और बैटर से छोटी छोटी हम पैनकेक बनाएंगे इस तरीके से। बहुत ज्यादा पतले नहीं करेंगे, बस हल्का सा फैलाएंगे। इस तरीके से दूसरा भी डाल देती हूं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम फैला लेंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम ऑयल डालेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छी तरीके से सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया डिश बनती है और बहुत जल्दी भी। तो बस अब इसको हल्का, जब ये नीचे से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए दोनों ही साइड से पहले हम हल्का हल्का सेकेंगे और उसके बाद अब इसको वापस हम बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे और इसको पलट देंगे। दोनों पैनकेक तैयार हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी इसके ऊपर हम अब वो स्प्रेड करेंगे।
इस तरीके से। इसी तरीके से मैं इस पर भी फैला देती हूँ दबा करके। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और मैंने आलू को स्प्रेड कर दिया है और ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से तिल, सिसमे सीड्स। अगर आप व्रत में खाते हैं तो, अगर आप नहीं खाते तो आप ना डालें। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एकदम हेल्दी और बढ़िया डिश। आप फास्ट में भी अच्छे अच्छे खाने का इंजॉय कर सकते हैं। इस पे आप डालिए थोड़ा सा ऑयल और इसको अब हम पलट देते हैं। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिकने देंगे, दबा देंगे इसको भी और इसको लो टू मीडियम के बीच में फ्लेम रख के थोड़ी देर तक सिकने देंगे। तो इस तरीके से नीचे से हम पोटैटो व्हील्स को सेकेंगे। तो अब इसको मैं पलट देती हूँ। सिर्फ एक मिनट लगा है नीचे से सेकने में और ये देखिए कितने बढ़िया बन करके ये तैयार हुए हैं। इसी तरीके से इसको भी मैं पलट देती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, खाने में भी बहुत टेस्टी। किसी भी चटनी या आप अपने मन की कोई भी सब्जी के साथ जो व्रत में चलती हैं, जैसे आलू की सब्जी वगैरह या दही के साथ, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो नीचे से भी हल्के से सेक करके गैस को कर देते हैं ऑफ और पोटैटो व्हील्स को करते हैं सर्व। तो ये लीजिए पोटैटो व्हील्स व्रत वाले बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, एकदम यूनिक डिश। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट इस तरीके से। तो अब फास्टिंग में भी आप अच्छी अच्छी रेसिपीज को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बनती है पोटैटो व्हील्स। एक बार आप इन व्रत में, नवरात्रि के व्रत में पोटैटो व्हील्स एक बार आप जरूर ट्राई करें। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी रेसिपी इंस्टेंट मिक्स की। अब जो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है इंस्टेंट मिक्स से पनियारम, यानी आपे या पट्टू, जिसे आप आपे भी बोलते हैं, आपम भी बोलते हैं। मैं आपको इससे वो बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है आधा कप अपना व्रत वाला इंस्टेंट मिक्स और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने एक हरी मिर्च ली है, थोड़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ दही, ये मैंने फ्रेश दही लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। काली मिर्च और सेंधा नमक हमने पहले ही डाल दिया था, अब इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से और गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, जैसे हम आपे बनाने के लिए तैयार करते हैं। 2 मिनट के लिए बैटर को सेट होने देंगे और गैस पर आपे पैन चढ़ाएंगे। इस तरीके से आप गैस पर एक आपे पैन रखिए और गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए और पैन को गर्म होने देते हैं। अब हम बैटर में डालेंगे, यहाँ मैंने लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो फ्रूट सॉल्ट, ये मेरा होममेड इनो फ्रूट सॉल्ट है। इसका वीडियो आप मेरे चैनल कुक विद पारुल पर देख सकते हैं, जहां मैंने होममेड इनो सॉल्ट घर में बनाना बताया है और वो भी बहुत ही इजी और सस्ते में। तो ये वही मैं होममेड इनो फ्रूट सॉल्ट ले रही हूँ। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट और इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद इसके ऊपर 1 चम्मच हम पानी डालेंगे, जिससे ये एक्टिवेट हो जाए बिल्कुल इस तरीके से। और अब इसको हल्के हाथ से मिलाएंगे। तो मैंने 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट मिला दिया है। अब तुरंत हम इस बैटर को आपे पैन में डालेंगे। अब पैन में हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल, 2-2 ड्रॉप्स। इसको इस तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे क्योंकि गर्म हो गया है आपे पैन। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालूंगी इस तरीके से, पूरा नहीं फिल करूंगी। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, मैंने लिए यहाँ पर पनीर, चीज, घर का आप छेना ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम डाल देंगे और वापस हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सबको फिल कर लेती हूँ। मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा पनीर, वापस थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं इसके ऊपर।
इस तरीके से फैला देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ अभी लो ही रखा हुआ है जिससे ये अच्छी तरीके से सिके। कुछ कुछ ड्रॉप्स ऊपर डाल देती हूँ। 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं इसको ढक दूंगी। 1 मिनट के करीब हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं सारे आपे अच्छी तरीके से फूल गए हैं। इसे कहीं कहीं पट्टू बोलते हैं, पनियारम बोलते हैं, पनियारकल बोलते हैं, कहीं आपे बोलते हैं या आपम। तो अब हम इसको टर्न करके देखते हैं। मैंने इसमें अंदर पनीर भरा है, आप चाहें तो इसमें जो भी आप लौकी, खीरा, कुछ भी इसके अंदर आप स्टफिंग कर सकते हैं। लौकी को आपको हल्का उबालना होगा। देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आ गया है और कितनी सुंदर लग रही है। बस नीचे से भी लगभग 1 मिनट के लिए इसको सेक लेते हैं और उसके बाद सर्व करते हैं। अब जब हम नीचे से सेकते हैं तब हमें लिड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया आपे बनके तैयार हुए हैं और ये देखिए कैसे घूम रहे हैं ये, और कितने बड़े बड़े साइज के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। गैस को ऑफ करते हैं और इनको सर्व करते हैं। तो ये लीजिए आपके व्रत वाले आपे बिल्कुल तैयार हैं इंस्टेंट मिक्स से। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये बने हैं। ये देखिए कितना बड़े साइज के, एकदम फ्लफी बिल्कुल तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी, अंदर इनमें पनीर भरा हुआ है, तो आप जब खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो व्रत में भी अब आप लुफ्त उठाइए एक से एक अच्छी रेसिपीज का। मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा फ्रेश नारियल इस तरीके से। बहुत अच्छा लगता है नारियल इन सब चीजों में, और फास्ट में तो हम नारियल खाते ही हैं, तो हम इससे इसकी गार्निशिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट मिक्स से आपे बनकर के तैयार हैं। एक बार आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस नवरात्रि आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, एक ही तरीके की चीजें खाकर आप फटाफट बनाइए ये इंस्टेंट मिक्स और उससे बनाइए 8 से 10 वैरायटी बहुत ही अच्छी अच्छी लजीज व्रत वाली। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।